हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान भाई आनंद। तो मैं उत्तराखंड के प्यारे साथियों, अपने उत्तराखंड में इस वक्त आचार संहिता की वजह से हमारी भर्ती प्रक्रियाएं आगे नहीं बढ़ रही हैं। आप लोगों को पता है आचार संहिता के दौरान जो है निर्वाचन आयोग से भर्ती बोर्डों को परमिशन लेनी होती है। दोस्तों, इस बीच एक बड़ी अच्छी खबर निकल के आ रही है कि भर्ती प्रक्रिया को निर्वाचन आयोग की हरी झंडी मिलना शुरू हो गया है। चल इस पूरी खबर को पढ़ते हैं। तो लोकसभा चुनाव आचार संहिता के कारण अटकी भर्तियां अब शुरू होने जा रही हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को पूर्व से जारी चयन प्रक्रिया पर आगे बढ़ने की हरी झंडी दी है। अब UK SSS अंतिम चयन सिफारिश के साथ ही दस्तावेज सत्यापन जैसी प्रक्रिया प्रारंभ करने जा रहा है। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले UK SSS LT वाहन चालक कर्मशाला अनुदेशक और जनजाति कल्याण विभाग के अधीन संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों के लिए शिक्षकों की चयन प्रक्रिया पूरी कर चुका था। इसमें सिर्फ चयन सिफारिश भर की ही जानी थी, लेकिन आचार संहिता के कारण यह काम रुक गया था। उत्तराखंड में मतदान होने के बाद UK SSS ने कार्मिक विभाग के जरिए निर्वाचन आयोग से चयन सिफारिश के साथ ही PRD में व्यायाम प्रशिक्षक और संग्रह मीन के दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया प्रारंभ करने की अनुमति मांगी थी। UK SSS के अध्यक्ष GS मोहतर जी ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने इसकी अनुमति दे दी है। इस कारण आयोग इसी सप्ताह 4 विभागों के अंतिम चयन सिफारिश करने जा रहे हैं। इसके बाद विभाग के स्तर पर चयनित जो युवाओं की नियुक्ति प्रदान की जाएगी। तो LT के लिए 544 पदों के सापेक्ष इस बार 52,000 आवेदन आए हुए हैं। आयोग ने 22 मार्च से आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ की थी, जो 12 अप्रैल को समाप्त हो चुकी है। तो इस बार LT 2021 की भर्ती के मुकाबले कम आवेदन आए हैं। LT लिखित परीक्षा 30 जून को होनी है। तो 52,000 आवेदन जो है इस बार LT सहायक अध्यापक LT के लिए भी आए हुए हैं। दोस्तों, आप लोगों को बता दें 30 जून को इसका टेस्ट है। आयोग ने PRD में व्यायाम शिक्षक के 60 पदों के लिए जनवरी में आयोजन प्रक्रिया प्रारंभ की थी। अब शारीरिक परीक्षा और लिखित परीक्षा के बाद 60 दिनों के सापेक्ष 44 युवा ही दस्तावेज सत्यापन तक पहुंच पाए। तो कुल मिला के बाद यह है दोस्तों कि भर्ती प्रक्रियाएं अब हमारी शुरू होने जा रही हैं। निर्वाचन आयोग क्रमवाइज जो है भर्ती प्रक्रियाओं को हरी झंडी यहाँ पर दे रहा है। जुड़े रहेगा दोस्तों अपने तैयारी में। हर एक अपडेट के लिए हम हमेशा आपके सामने तत्पर है। थैंक यू वेरी मच।